बताइए आप लोग कौन से संगठन से हैं और अभी आप यहाँ ज्ञापन देना है किस, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब किसी न किसी संगठन से अपना महत्व रखते हैं, पर यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं ये राजपूत सम्मान के आत्मसम्मान के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सभी भाई राजपूत समाज के भी हैं, अदर कास्ट के भी हैं, ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति और संगठन का कुछ नहीं है। सभी भाई मिलकर ये आंदोलन करने के लिए और यह कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए। किसके नाम ज्ञापन दिया और क्या मांग की? ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है और हम ये मांग करना चाहते हैं राष्ट्रपति जी से कि साहब आप जो 21 सूत्री मांगों का लेकर जो 3 दिवसीय आंदोलन हमारे कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग भोपाल में कर रहे हैं, उस आंदोलन को आप जल्दी से जल्दी उनकी मांगे स्वीकृत करें और उन्हें आंदोलन को उग्र होने से बचाएं। अगर कल से आंदोलन अगर उग्र हुआ है तो इसकी जवाबदारी सर्वप्रथम शासन और प्रशासन की रहेगी। आप अभी जो आपने बोला है कि अब आगे भी हमारी मांग जारी रहेगी, तो अभी क्या कुछ जो है अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या किस तरह का क्या प्रदर्शन है कि क्या है आंदोलन आपका, आगे रूपरेखा क्या है आपकी? अभी रूपरेखा तो सर्वप्रथम तो शांतिप्रिय तरीके से लोग हम बैठे हुए हैं, सभी लोग सर्व समाज के 36 कौमों को लेकर कर्णी सेना परिवार बैठा हुआ है जीवन दादा के नेतृत्व में। तो अभी तो हमारा ये केवल उद्देश्य है कि जो 21 सूत्री हमारी मांगे हैं वो सरकार द्वारा मान ली जाए और उसके पश्चात अगर वो नहीं मानती है तो फिर जो भी हमें आदेश मिलेगा संगठन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा हम या तो संगठन को माध्यम से आंदोलन को उग्र बनाएंगे या शांति प्रदेश समाप्त करेंगे। यानी कि जो जीवन सिंह शेरपुर जी वहाँ बैठे हैं भोपाल में, उनके साथ काफी लोग बैठे, उसी समर्थन में आपने ज्ञापन दिया? उसी समर्थन में, उनके समर्थन में हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया। जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में नाम और पद? जितेंद्र सिंह राजपूत, ठिकाना जीवाजीपुरा। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।